नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बहुत ही साधारण मंत्रों की सहायता से खूनी अथवा बादी बवासीर को दूर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा मंत्र विभाग है, इसमें चाहे तंत्र हो चाहे मंत्र हो, दोनों की ही बात करेंगे, तो तंत्र और मंत्र विभाग में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, दुखी किया जा सकता है। और दोस्तों, बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है, चाहे खूनी बादी बवासीर बीमारी हो, चाहे सिर दर्द की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, अथवा कोई भी गंभीर बीमारी हो। तो दोस्तों, मंत्रों के द्वारा कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जटिल बीमारियां होती हैं, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही हैं, उन बीमारियों को भी हम मंत्रों से ठीक कर सकते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी साधनाएं बताएंगे, ऐसे मंत्र बताएंगे कि जिनके द्वारा आप चाहे तो अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति की जो बीमारियां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। यदि आप इन मंत्रों का, जो विधि हम आपको बता रहे हैं, इस विधि के अनुसार प्रयोग करेंगे, इन विधि के अनुसार अगर आप इनको अजमाएंगे, तो आप किसी भी व्यक्ति की जो बीमारी है आप उसको दूर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार खूनी अथवा बादी बवासीर को आप दूर कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति यदि परेशान है जिसको खूनी बादी बवासीर हो, तो आप इस मंत्र के द्वारा जो हम आपको बता रहे हैं, आप उस व्यक्ति की जो बवासीर है, की बीमारी है, उसे आप दूर कर सकते हैं। इससे आपका नाम तो होगा ही, आपको थोड़ी सी वाहवाही भी मिलेगी और आपको जो है एक परोपकार भी मिलेगा। तो मंत्र आपको बता रहे हैं, बिल्कुल साधारण सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ईसा ईसा कांच कपूर के सीसा, यह अगर जान नहीं काए, खूनी वादी एक न होए, दुहाई तख्त सुलेमान बादशाह को। दोस्तों, यह एक शाबर मंत्र है, दोबारा सुन लें। ईसा ईसा कांच कपूर के सीसा, यह अगर जान नहीं काए, खूनी वादी एक न होए, दुहाई तख्त सुलेमान बादशाह को। तो ये जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ये एक शाबर मंत्र है। जो मंत्र जिस प्रकार लिखा हुआ है, जो मात्राएं जैसी हैं, बिल्कुल आपको वैसी ही पढ़नी है, अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस मंत्र को आपको पानी लेना है, पहले आपको एक किसी पात्र में, लोटे में पानी ले लीजिए या किसी गिलास में, और 51 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ने के पश्चात जो रोगी का नाम है वो आपको जरूर लेना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है दिनेश, दिनेश नाम के व्यक्ति को बवासीर की समस्या है और वह आपके पास आता है कि मेरी बवासीर की मुझे समस्या है और आप मुझे मंत्र पढ़कर दे दीजिए ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो जो व्यक्ति है जिसका नाम दिनेश है, तो आप मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे, ईसा ईसा कांच कपूर के सीसा, यह अगर जान नहीं काए, खूनी वादी एक न होए, दुहाई तख्त सुलेमान बादशाह को दिनेश। इस प्रकार 51 बार मंत्र पढ़कर प्रत्येक बार आप पानी में फूंक मारते जाएं, और 51 बार मंत्र पढ़ने के पश्चात जो ये पानी है ये आप रोगी को दे दें और उससे कहें कि वह गुदा स्थान को इस पानी से धोए। यह प्रयोग आपको 7 से 11 दिन तक करना है। 7 से 11 दिन तक उस व्यक्ति को अपने पास बुलाना है या उससे घर जाकर उसको आप पानी को अभिमंत्रित करके उसे दे दें और उससे कहें कि वह गुदा स्थान को इस पानी से धोए, तो उससे उस व्यक्ति की जो बवासीर की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। तो यह पहला प्रयोग था। इसके बाद हम आपको एक प्रयोग और बता रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, खुरासान की टीना साई, खूनी वादी दोनों जाई, खुरासान की टीना साई, खूनी वादी दोनों जाई। इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात भी आपको रोगी का नाम लेना है। यह मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है, और जो पानी का पात्र आपके सामने रखा है, प्रत्येक बार मंत्र पढ़ने के पश्चात रोगी का नाम लें और पानी में आप फूंक मारते जाएं। 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है,
108 बार ही आपको पानी में फूंक मारनी है और जो पानी है वह आप रोगी को दे दें और उससे कहे कि वह गुदा स्थान को इस पानी से धोए। इस प्रकार इस मंत्र से भी आप 7 से 11 दिन तक आप रोगी को यह पानी अभिमंत्रित करके दें और उसे गुदा स्थान को धोने को कहें तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में उस व्यक्ति की जो बवासीर की समस्या है, बवासीर की बीमारी है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको दो बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र बताए हैं। ये हमारे बहुत ही प्राचीन मंत्र हैं और ये बवासीर की बीमारी दूर करने के लिए ही है। तो इन मंत्रों को आप ध्यान रखें और कोई भी व्यक्ति आसपास हो जिसको बवासीर की बीमारी हो तो आप जन परोपकार की भावना से, जन कल्याण की भावना से आप ये निष्काम काम करें। पैसे किसी से मत लें। यदि आप पैसे लेंगे तो ये जो प्रयोग है काम नहीं करेगा, क्योंकि शाबर मंत्र की विशेषता होती है कि यदि इसमें आप किसी से पैसे लेंगे तो वह मंत्र काम नहीं करेंगे। बिल्कुल निष्काम भाव से, परोपकार की भावना से आप ये कार्य करिए। इसमें आपको पुण्य भी मिलेगा, आपका परोपकार भी हो जाएगा और उस व्यक्ति की बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, दुर्लभ ज्ञान जानने को मिलता रहे। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है वो हम अब तक इसी तरह पहुंचाते रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ प्यार के साथ बोलिए जय माता दी।